हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम बात करने वाले हैं इंटर्नशिप के बारे में। ये मतलब आप लोग अगर इंटर्नशिप के बारे में, अभी जो आप लोगों के साथ हो रहा है, सो वो इंटर्नशिप नहीं हो रहा, वो स्कैम हो रहा है। ठीक है, मैंने बहुत सारे एप्लीकेशंस देखे हैं, मेरे पास जो आ रहे हैं, मेरे पास जो बच्चे सेंड कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत हंसी आती है। ठीक है, इंटर्नशिप होता क्या बेसिकली? आप लोगों को अभी पता भी नहीं है कि इंटर्नशिप रियली है क्या चीज। आज से, जब से हमारा एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ है, इंडिया के अंदर कुछ कुछ इंडस्ट्रियां लगनी स्टार्ट हुई थी। सो वहाँ पे क्या हुआ था ना कि बच्चे कॉलेजों में, स्कूलों में पढ़ के आते थे, इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ के आते थे, और उनको जो है कंपनियों के अंदर काम दिया जाता था। तो वो तो वहाँ पे क्या होता था, पहले जो है, जो अभी जो प्रैक्टिकल वगैरह इंटर्नशिप वगैरह होती है, वो पहले नहीं होता था। सो इंडस्ट्री के अंदर जैसे ही वो जाते थे, उनको काम वगैरह कुछ आता नहीं था, उन्होंने बुक्स में पढ़ी थी, प्रैक्टिकल देखा था कि इसमें ये डालने से ये होता है, ये डालने से ये होता है, रियलिटी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। तो जो भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट है, जो भी इंडस्ट्री वाले लोग हैं, तो उन्होंने दिमाग लगाया, भैया तो ये इतना पढ़ते हैं ना, उनको जॉब देने से पहले ना, तो थोड़ा उनको जो भी लोग काम कर रहे हैं वो उनको थोड़ी अगर ट्रेनिंग दे दें, उनको अगर बता दें, जो भी एक्सपीरियंस लोग हैं, तो इनका शायद कुछ भला हो सकता है और ये थोड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले जो इंटर्नशिप वगैरह स्टार्ट की गई थी, जो अमेजोन जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज है, सबसे ज्यादा बच्चे इसी के लिए ट्राई करते हैं कि हमको अमेजोन, गूगल, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, ऐसे ऐसी कंपनीज के अंदर इंटर्नशिप करने को मिल जाए। क्यों? इसीलिए ना कि हमको कुछ सीखने को मिले वहाँ पे। अगर मैं जॉब करता हूँ वहाँ पे, तो मेरे को कुछ काम आई, मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना, मतलब जैसे मैं बुक्स पढ़े ही जा रहा हूँ, पढ़े ही जा रहा हूँ, पढ़े ही जा रहा हूँ, तो इसका तो कोई मतलब है नहीं ना कि क्या होता है इंटर्नशिप, राइट? अभी जो स्कैम क्या हो रहा है, जैसे मेरे पास लिंक्डइन पे बार बार मैसेजेस आ रहे हैं, सर ये लो गूगल फॉर्म, आप हमारे यहाँ पे इंटर्नशिप कम्प्लीट कर लो, यू आई 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 विल चेक इट योर प्रोफाइल, दिस इज रियली ऑसम एंड यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर माई कंपनीज, आपको कुछ पैसे पे करने हैं, आपको 999 999 रुपीज पे करने हैं, आपको 1199 रुपए पे करने हैं, आपको 3000 रुपए पे करने हैं, हमारा 28 दिन का ये इंटर्नशिप होगा या फिर हमारा 30 दिन का होगा, बहुत सारे लोग 41 डेज का भी करते हैं, और इसके अंदर हमारे जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स लोग आपको वो सिखाएंगे, राइट? आपको उसका सर्टिफिकेट भी देंगे हम। ठीक है, एक तो ये हो रहा है, एक दूसरा क्या हो रहा है कि बहुत सारे बच्चों को जो है ये सर्टिफिकेट मांगते हैं कॉलेज वाले कि भैया तुम्हारी इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मुझे ला के दो, तुम लोगों ने कहाँ इंटर्नशिप की कहाँ नहीं की, मुझे उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मेरे कॉलेज का बता रहा हूँ, ठीक है, जो मेरे सीनियर्स ने मुझे बताया। ठीक है, मेरे कॉलेज वाले ये बोलते हैं कि जो है तुम लोगों ने इंटर्नशिप कहाँ की कहाँ नहीं की, मुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं सर्टिफिकेट ला के दो। ठीक है, तो जो हमारे सीनियर्स भैया थे, उन्होंने क्या किया कि जो है वो बहुत सारी कंपनियों के पास गए कि भैया हमें इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट चाहिए। तो क्या किया उन कंपनी वालों ने, कहा ठीक है हम आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं, लेकिन जो है हम आपको इंटर्नशिप के लिए वीडियोस प्रोवाइड कर देते हैं। सो उन्होंने कहा कि आप ये वीडियोस देख लीजिए, आपकी इंटर्नशिप हो गई और ये आपका सर्टिफिकेट ले लीजिए, राइट, और हमें इसके लिए आप पैसे दे दीजिए। तो जो भी लोग थे उन्होंने जो है 1000 2000 3000 उन लोगों ने जितने पैसे मांगे उतने दे दिए। अब इंटर्नशिप का मतलब तो यही होता है ना कि सीखना कुछ, तुम आगे जाके फ्यूचर में जो करने वाले हो वो तुम सीख लो कम से कम, राइट? जैसे मुझे अगर फ्लिपकार्ट में, अमेजोन में अगर जॉब मिलती है, अगर मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से हूँ, तो उससे रिलेटेड उसके अंदर जो बंदा अगर वो काम कर रहा है, वो मुझे सिखा देगा कि भैया जो तुम्हारा मैनेजर है, जो तुम्हारा हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, जो तुम्हारा इंचार्ज है, उससे कैसे बात करनी है, कैसे तुम्हारा वर्क कंप्लीट होगा, ईमेल कैसे लिखनी है, क्या नहीं लिखना, क्या लिखना है, वो अगर मुझे सिखा देगा तो अच्छा रहेगा ना मेरे लिए, मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा, अच्छा बेटर लिख पाऊंगा। ठीक है, और मतलब दक्षता जो एक्यूरेसी है वो बढ़ेगी, राइट? तो इस प्रकार से वैसे इंटर्नशिप तो सही स्टार्ट किया गया था, लेकिन ये स्कैम बहुत ही बड़ा हो रहा है। सो आप लोग जो है कम से कम अपने घर वालों के पैसे बिल्कुल बर्बाद ना करें, 1000 2000 3000 जो भी है तुम लोगों को, तो मुझे भी ऐसा लगता है यार 1000 दे रहा हूँ, कम से कम कुछ तो सीखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन उनके तो मतलब बढ़ते हैं ना, अगर मैं दे रहा हूँ तो और भी बहुत सारे बच्चे देते होंगे, 100 बच्चे अगर पर मंथ देते हैं तो उसके तो 1 लाख रुपए पर मंथ आते हैं। ठीक है, तो उसका तो स्कीम का तो जरिया बढ़ता जाएगा, चलता जाएगा। इंटर्नशिप का
मेरे को ये समझ ही नहीं आता, वो वहाँ पे कोर्स लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है कोर्स कंप्लीट करवा रहे हैं इट्स ओके, इंटर्नशिप क्यों लिखते हैं वो? तो टीचर लोग है ना, क्या टीचर को पता नहीं इंटर्नशिप होता क्या है? सो उन लोगों ने इंटर्नशिप क्यों लिख रखा है वहां पे? इट्स रियली बैड, और आप लोग इसके झांसे में बिल्कुल ना आए। मेरे पास ऐसे कम से कम 100-150 तो ईमेल या फिर लिंक्डइन पे मैसेजेस आए हुए पड़े हैं। हाँ बहुत सारी कंपनीज जो अच्छी अच्छी कंपनीज है, जैसे टेक्नोलॉजी स्पेस टेक कंपनीज, अगर वो अगर करवाती है, अगर गूगल मेरे को बोलता है कि 1 लाख दे दे इंटर्नशिप कर ले सुंदर पिचाई ही तुमको सिखाएंगे, मैं 2 लाख देने को तैयार हूँ। राइट, अगर इलोन मस्क बुला ले तो मैं अपनी जिंदगी पूरी देने को तैयार हूँ। ठीक है, तो ऐसा आप लोग जो 1-1, 2-2 हज़ार रुपये, बहुत सारी कंपनीज आपको 3-3 हज़ार रुपये मांग रही है, इतना पैसा पे करो। स्पेशली गूगल फॉर्म आपको दिया जाता है, उसके अंदर लिखा रहता है हमारे इंडस्ट्री एक्सपीरियंस को, इंडस्ट्री के लोग को 5 साल का एक्सपीरियंस है, आप सिर्फ 6 हज़ार रुपये दो, हम आपको LOR भी प्रोवाइड करेंगे। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा LOR क्या होता है। LOR का मतलब होता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ठीक है, कि मैं हमें बहुत अच्छा इंसान हूँ, ठीक है, जो LOR देता है कि मैं बहुत खतरनाक साइंटिस्ट हूँ, ऐसे हूँ वैसे हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज है, और उसके अंदर लिखे देता है कि मैं इस बच्चे को ये अप्रूवल देता हूँ, ये मैं उसको आशीर्वाद देता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा बच्चा है, इसका ये फ्यूचर में आगे जाके बहुत ही अच्छा बनेगा, इसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है और ये इस फील्ड के अंदर इतना ज़्यादा ग्रोइंग है, ये जहाँ भी काम करेगा उछाल ला देगा, एकदम बूम पे जाएगा। ठीक है, LOR का मतलब ये होता है, जो भी अगर इसको कोई नौकरी पर रख रहा है, कोई कंपनी में इंटर्नशिप वगैरह है, तो वो उसको प्रोवाइड कर दे, दिस इज रियली गुड, ये बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई करता है, मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, नॉलेज बहुत अच्छा है, इसकी स्किल्स बहुत अच्छी है, उसका मतलब होता है LOR। सो वो लोग क्या करते हैं, LOR भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को LOR वैलिड नहीं होता और कोई नहीं मानता। ठीक है, सब अगर LOR लेकर भी चले गए ना ऐसे लोगों का, तो ठीक है सोच लो फिर क्या होने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे लोगों से बच के रहो, ठीक है, थैंक यू सो मच, और अपने छोटों को प्यार दीजिए और बड़ों का सम्मान कीजिए, थैंक यू।